गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दुलार चंदास एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारा सा चैनल स्टडी विद दुलार। बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है जो आपकी मदद के लिए बनाया गया है। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये चैप्टर 1 क्लास 3 की इंग्लिश बुक है। ये एक पोयम है और आज हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे, जिसका नाम है हेल्प मी टू बी। इसका मतलब है कि मुझे ऐसा बनने में मदद कीजिए। अब किस तरह का, यहाँ पे आगे पोयम को पढ़ेंगे तब हम लोग को पता चलेगा। तो कर्सर के साथ मैं हमेशा पढ़ाता हूँ तो आप लोग देखेंगे। आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। इटर्नल एंड ग्रेसियस गॉड, हेल्प मी टू बी क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड मी। इटर्नल, अनंत और दयालु, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। हे अनादि और दयानिधान परमेश्वर, मेरी मदद कीजिए जानने में इस दुनिया के बारे में जो हमारे चारों ओर है। इस दुनिया को जानने में हमारी मदद कीजिए। हेल्प मी, हेल्प टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंजेस आई फेस ईच डे। मेरी मदद कीजिए तैयार रहने में, तैयारी करने में जो मैं रोज़ समस्याओं का सामना करता हूँ, उसके लिए मेरी मदद कीजिए। हेल्प मी To be open to difficult task। हे परमेश्वर, मेरी मदद कीजिए। ओपन में खोलना होता है, यहाँ पे स्टार्ट करना हो जाएगा। मेरी मदद कीजिए कि मैं किसी भी मुश्किल काम की शुरुआत कर सकूँ, किसी भी बड़े काम का शुरुआत कर सकूँ। हेल्प मी टू बी डिटरमाइंड टू कम्प्लीट माई वर्क। हे परमेश्वर, मुझे संकल्प करने में मेरी मदद कीजिए कि मैं अपने कार्य को कम्प्लीट कर सकूँ। हेल्प मी टू बी रिस्पॉन्सिबल इन ऑल आई डू। हे परमेश्वर, मेरी मदद कीजिए उत्तरदायी बनने में, जिम्मेदार बनने में, जो कुछ भी मैं करता हूँ उसके प्रति मुझे जिम्मेदार बनने में मेरी मदद कीजिए। हेल्प मी टू बी एक्सेप्टिंग ऑफ पीपुल्स डिफरेंसेस। हे परमेश्वर, मेरी मदद कीजिए कि मैं उन लोगों को, अलग अलग लोगों को स्वीकार कर सकूँ, उनके अलग अलग व्यवहार जो होते हैं उनको मैं स्वीकार कर सकूँ। हेल्प मी टू बी काइंड इन माई थाट्स एंड वर्ड्स। हे परमेश्वर, मुझे दयालु बनने में मेरी सोच, मेरे वर्ड्स जो मैं बोलता हूँ उसे, उसमें दया भाव लाने में मेरी मदद कीजिए। हेल्प मी टू बी अवेयर ऑफ माई टैलेंट्स। हे परमेश्वर, मुझे सावधान कीजिए, मुझे सतर्क कीजिए अपने टैलेंट के बारे में, अपने टैलेंट को लेकर, अपनी प्रतिभा को लेकर मुझे सावधान रखिए। हेल्प मी टू बी माई सेल्फ, टू बी द बेस्ट दैट आई कैन बी। हे परमेश्वर, मैं स्वयं में अपना जो सबसे अच्छा कर सकता हूँ वो मुझे करने में मदद कीजिए। यहाँ पे पोयम समाप्त हो जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। 2 नंबर में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको आंसर देने के लिए बोला जा रहा है। तो आइए मैं आप लोगों को आंसर बना के दिखाता हूँ। 2 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Who is eternal and gracious? God is eternal and gracious.
Why does the poet want to be curious? The poet wants to be curious to know about the world around him. Why does the poet need help to be prepared for? The poet needs help to be prepared for the challenges he faces each day. Why does the poet want to be determined? The poet wants to be determined to complete his work. What for the poet asks for help to be aware? The poet asks for help to be aware of his talents. Question 3. Match column A and column B. यहाँ पे direct answer दिया गया है, इसे मैंने direct बना दिया है. God is eternal and gracious. Several challenges I face each day. For talents, awareness is necessary. Determination is essential to complete the work. I want to be curious about the world around me. Question 4. Make one sentence from each word. इसका सेंटेंस बनाने के लिए बतलाया जा रहा है. Curious. I am curious to speak English. Task. I do my task daily. Responsible. I am not responsible for this. Kind. He is a kind man. Aware. You should be aware of mad dogs. यहाँ पे चैप्टर 1 समाप्त हो जाता है और इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे. और आइए हम लोग आगे पढ़ने के लिए अगली वीडियो में चलते हैं.